लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जनरल मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज को किस तरह से सीख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को जनरल मोशन इन अ प्लेन डिस्प्लेसमेंट देखना है, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन देखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल चीजें भी देखने वाले हैं, और ये आपका जो पार्ट है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला इन अ प्लेन, ये अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो प्लेन में मूव कर रहा है, रैंडम मोशन है उसकी, कोई भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर रहा है। मान लो ये जो ब्लैक लाइन है इससे हम लोग ने इसका पाथ डिफाइन किया। अभी ये मान लो यहां से स्टार्ट होके ऐसे किधर भी मूव कर रहा है। सो ये पाथ के ऊपर मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट कंसिडर किया, लेट दिस इज माई पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट है इसकी अगर मुझे पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, सो डेफिनेटली एक्स वाई एक्सिस है मेरे पास। प्लेन के बारे में बात हो रही है तो जेड एक्सिस हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई से हम लोग ने पॉइंट ए की पोजीशन लिखी। अभी यहां से ओ से लेके ए तक का जो अंतर है वो हम लोग ने पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, दैट इज आर ओ वेक्टर। तो ये हो गई मेरी पहली बात। दूसरा, ये पाथ देखो यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो यही पाथ के ऊपर कोई भी एक दूसरा रैंडम पॉइंट कंसिडर करो, लेट दैट सेकंड पॉइंट इज अ बी। सो ये जो पॉइंट बी है इसकी अगर पोजीशन मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वन वाई वन। तो ये पोजीशन से हम लोग ने एक्स वन वाई वन से यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये है मेरा आर वन वेक्टर, ठीक है। तो जो सेकंड वाला इसका पोजीशन आर वन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, अभी आर वन ही लिखना है कि आंसर इज नो, आपको जो लिखना है अल्फाबेट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज अभी ए से बी तक, ए से बी तक देखो ना, ए से बी तक आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी तक का रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह से करोगे, तो देखो टाइम इंटरवल कितना है यहां से यहां तक जाने के लिए, लेट दैट टाइम इंटरवल इज अ डेल्टा टी, दैट इज टी वन माइनस टी। टी वन का मतलब क्या है, पॉइंट बी पे जो टाइम था उसको टी वन से रिप्रेजेंट किया है, और पॉइंट ए पे जो टाइम था उसको आपने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो टी वन दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सो टी वन माइनस टी। सो ए बी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर। देखो ये ए बी वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अभी अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहे हो, सो आपके पास ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, है कि नहीं। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो ए बी वेक्टर की वैल्यू हमें मिल सकती है कि आंसर इज अ यस। सो ए बी वेक्टर क्या होगा आपका, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर वन वेक्टर, और दूसरा क्या है आपके पास आर वेक्टर। तो डेल्टा आर की वैल्यू आपको मिल गई, डेल्टा आर वेक्टर इज आर वन वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो ये बन गया आपका एक डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। लेकिन अभी इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस। सो हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वन वाई वन। सो डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो डेल्टा आर वेक्टर के लिए हमें ए के लिए लिखना पड़ेगा, और ए के लिए अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, है ना। तो यह हो गया डेल्टा आर वेक्टर का R1 का जो पार्ट है उसकी वैल्यू। सो x1 i कैप प्लस y1 j कैप, सिमिलरली ये है आपके पास x i कैप प्लस y j कैप। तो ये दो वैल्यूज आपने R1 वेक्टर और R वेक्टर की यहाँ पे रिप्रेजेंट की। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो कॉमन i और j वाला पार्ट है उसको एक साथ लेके आते। सो डेल्टा R वेक्टर x1 माइनस x i कैप प्लस y1 माइनस y j कैप। तो ये बन गया आपका एक इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन में x1 माइनस x को आप डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और y1 माइनस y को डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको डेल्टा r की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना। सो डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अभी आपके पास वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो कि आंसर इज यस सिंपल, डेल्टा r इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y द होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका डेल्टा r का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया, अभी हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसका एक एक्सप्लेनेशन देखा। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हमें पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। सो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में अगर ऑब्जेक्ट आपका सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको आप बोल रहे हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे अभी मेरे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं। सो एवरेज वेलोसिटी के लिए एक जनरल फॉर्मूला हमें पता है, वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सो दैट मैं वी एक्स और वी वाई के टर्म्स में आंसर को लेके आ सकता हूं, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, और यहां पे मेरे पास डेल्टा टी है। अभी क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है ना ये वाला, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इसको आप वी एक्स लिख सकते हो, है ना, और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इसको आप वी आई लिख सकते हो। सो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये बन गया आपका इक्वेशन। तो ये किसका इक्वेशन है, एवरेज वेलोसिटी का ये एक इक्वेशन है। गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, okay? अभी ना ये थोड़ी काम की बात है और यहाँ पे कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है क्यों पढ़ रही है हम लोग, ये एक थोड़ा सा
इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, आगे जाके जो आपको सर्कुलर मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने उसके लिए ये सब पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट अच्छे से पता होना ही चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अच्छे से पता होना ही चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होता है वो अच्छे से पता होना ही चाहिए, तभी जाके सर्कुलर मोशन या फिर जो कर्व से रिलेटेड जो मोशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके सही ढंग से होते हैं। इसके लिए ये पार्ट को यहाँ पे रखा है, ठीक है। ऑलरेडी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग ने ग्राफ के टर्म्स में पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ये लेने की वजह क्या है, देखो हेडिंग क्या दिया है, जनरल मोशन इन अ प्लेन, तो प्लेन के बारे में बात हो रही है, तो प्लेन हम लोग क्यों पढ़ रहे, क्योंकि आगे जाके हमें सर्कुलर मोशन भी पढ़नी है, समझ रहे हो। तो सर्कुलर मोशन या फिर अगर मोशन मेरी कोई भी एक रैंडम कर्व पाथ पे जा रही है तो वहां पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं। एनीवेज, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन डेटा टी, यू आर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन। अभी मान लो मेरे पास वाई और एक्स एक्सिस है और आपका जो पार्टिकल है वो कोई भी एक रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग ने ब्लैक सॉलिड राइट से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट मेरे पास ये जो है उसको मैंने आर बोला और ये मेरा R1 वेक्टर हो गया, ये मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। अभी यहां से यहां तक मान लो ये जो वेक्टर है इसको मैंने डेल्टा R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अभी यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, तो ये हो गया आपका एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा पीछे लेंगे, मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, तो हम लोग 4 सेकंड पहले का पोजीशन देखेंगे, तो 4 सेकंड पहले पॉइंट आपका इधर किधर तो होगा, और थोड़ा सा टाइम कम करो, मान लो 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पहले आपका ऑब्जेक्ट देखो ये पॉइंट पे आ गया, तो आप क्या कर रहे हो, टाइम कम करते जा रहे हो, तो ये देखो ये बन गया आपका डेल्टा R2 वेक्टर। सिमिलरली आप बहुत सारे वेक्टर्स करके ये जो टाइम ड्यूरेशन है डेल्टा टी इसको आप 0 के नजदीक लेके आओ। हमने इनिशियली डेल्टा टी क्या कंसिडर किया था, 5, उसके बाद 4, 3, 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0.001, ऐसा मतलब आपको नजदीक लेके जाना है, टेंड्स टू 0, तभी जाके तो आपका ये इंस्टेंटेनियस बनेगा, समझ रहे हो ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का तो वही तो मतलब है। एनीवेज, तो यहां पे देखो ये पॉइंट आप कम करते गए और एक पॉइंट ऐसा आया कि यहां पे अभी अगर आप ड्रॉ करोगे सो इट विल बी टेंजेंट, समझ रहे हो। तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, दैट इज अ वी इंस्टेंटेनियस, इसको रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे देखो कंक्लूजन, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये तो आपका आर वेक्टर फिक्स रहेगा, ये आर वेक्टर है या आर टू वेक्टर है। एनीवेज, सो डेल्टा R1 वेक्टर, तो ये डेल्टा R1 वेक्टर है, सर्टनली ये डेल्टा R2 से बड़ा है, सर्टनली अगर नेक्स्ट डेल्टा R3 आपने लिया होता तो पहले वाले उससे बड़े होते है कि नहीं। तो जैसे आप टाइम कम करते जा रहे हो, दैट इज अ चेंज इन अ टाइम, आपका जो चेंज इन अ R है वो भी कम होते जा रहा है, सो डेल्टा टी डिक्रीजेस, सो इट इंप्लाइज डेल्टा R also decreases, सो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है, डेल्टा R टेंड्स टू 0, डेल्टा R भी आपका 0000 धीरे बनने वाला है, इट मींस दैट डेल्टा R वेक्टर बिकम्स टेंजेंट टू पाथ एट A। तो यहां पे जो पॉइंट है इसको हम A बोलेंगे, लेट दिस इज अ A, दिस इज अ B, दिस इज A, दिस इज अ C, हाँ, और ये पॉइंट जो आपका इनिशियल है उसको आप A से रिप्रेजेंट कर रहे हो। वन मोर टाइम, इट मींस डेल्टा R वेक्टर बिकम्स टेंजेंट टू पाथ एट पॉइंट A। एनीवेज, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डायरेक्शन ऑफ अ वी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन अ पाथ इज अ टेंजेंट, तो इसको हम बोलते हैं वी आई, है ना, तो लेट दिस इज अ वी आई वेक्टर। सो डायरेक्शन ऑफ अ वी आई वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन अ पाथ इज अ टेंजेंट टू द पाथ, तो देखो ये टेंजेंट की जैसे एक्ट कर रहा है, टू द पाथ एट दैट पॉइंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कहां पे जाने वाला था उसका डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, और डायरेक्शन लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। तो अभी हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में चीजों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, मान लो आपका जो ऑब्जेक्टिव वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको हम लोग ने ये लाइन से रिप्रेजेंट किया है, आपके पास 1/1 ये है आर वेक्टर, है कि नहीं, ये आपके पास है आर वेक्टर। तो अभी ये अगर पॉइंट आप लेते हो तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आपका कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स आपको लिखने हैं, तो ये होगा आपका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, है ना। तो ये अगर आप वेलोसिटी वेक्टर कंसिडर करते हो तो ये होगा आपका वी एक्स वेक्टर और ये होगा आपका वी वाई वेक्टर। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा एंगल कंसिडर करते हो थीटा, तो ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से डायरेक्शन में वो होगा। तो वन बाय वन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट आर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये है आपका एक डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड पार्ट। सो अगर मुझे वी आई वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो
r वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो d अपॉन dt x i कैप प्लस y j कैप सेपरेट करो. सो d अपॉन dt x i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप. तो ये मेरे पास है. अभी dx अपॉन dt ये मुझे vx की वैल्यू देगा, dy अपॉन dt ये मुझे vy की वैल्यू देगा. दैट इज द वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग y. तो सब्स्टिट्यूट करते ये वैल्यू ये इक्वेशन में. सो dx अपॉन dt की जगह पे vx लिखो, dy अपॉन dt की जगह पे vy लिखो. सो vi वेक्टर विल बी vx i कैप प्लस vy j कैप. समझ रहे हो? तो ये किसका आंसर बन गया, ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक आंसर बन गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. यहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा, यहां पे हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये यूज करके हम लोग यहां पे वेलोसिटी की कितनी वैल्यू होगी उसको वेक्टर्स के टर्म्स में देख रहे हैं. और इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वीवाई वेक्टर इज गिवन बाय वी आई वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड्स आपने इजीली रिप्रेजेंट किए. अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या. आंसर इज यस. सो टैन थीटा इज वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना? तो अगर आप ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखते हो तो ये आपका वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया. सो वी वाई अपॉन वी एक्स ये आपको टैन थीटा की वैल्यू देगा. सो वी वाई अपॉन वी एक्स विच इंप्लाइज थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स. और यहाँ पे जो फॉर्मुले हम लोग देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुले है. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको जेई मेन्स एडवांस नीट एग्जाम में दिखाई देंगे, एज वेल एज बोर्ड परस्पेक्टिव भी ये पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, जनरल मोशन इन प्लेन, तीन पार्ट्स में हमको इसको पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. यहां पे हम लोग ने क्या देखा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. सो डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या देखा, आपका एक पास एक ऑब्जेक्ट है जो रैंडमली कहां पे भी मूव कर रहा है, ये प्लेन में मूव कर रहा है. लेट एट एनी इंस्टेंट टी ऑब्जेक्ट आपका पोजिशन ए पे है, एक्स वाई से आपने रिप्रेजेंट किया, आर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसका पोजिशन वेक्टर. सिमिलरली एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए टाइम लगा, लेट दैट टाइम इज अ टी वन, इसका पोजिशन होगा एक्स वन वाई वन, और यहां से यहां तक का जो पोजिशन रिप्रेजेंट किया दैट इज आर वन वेक्टर. So time interval t1 minus t, AB से आपने represent किया है delta r vector. So a vector plus AB vector is equal to OB vector. इसको बोलते हैं triangle of vector addition. इससे आप AB vector की value निकाल सकते हो, OB vector minus OA vector. So delta r vector is equal to r1 vector minus r. तो यहाँ पे a और b की value है x y और x1 y1 के terms में. So represent करो यहाँ पे r1 और r को in terms of a position vector, that is x1 i cap plus y1 j cap. X i कैप प्लस वाई जे कैप, रीअरेंज करो इक्वेशन को, डेल्टा आर की वैल्यू होगी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई द होल स्क्वायर. नेक्स्ट है वेलोसिटी, इसमें दो पार्ट्स आपको पढ़ने, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यूज को, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये बन गई एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू. इंस्टेंटेनियस के आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए बी पॉइंट आपके पास है, दैट इज डेल्टा आर वन वेक्टर. इसको आप कम 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 करते जाओ, एक पॉइंट पे क्या होगा, वो टेंजेंट होगा. सो डेल्टा आर वन वेक्टर ग्रेटर देन डेल्टा आर टू वेक्टर. टाइम इंटरवल को कम करते जाओ, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा आर भी आपका कम होगा और वही आपको चाहिए क्योंकि वी आई इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी. तो यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो डायरेक्शन ऑफ वी आई वेक्टर आपको ये पॉइंट से मिल जाएगा. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो क्या, आंसर इज यस. आर वेक्टर लो, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, वी आई वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, वी आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. टैन थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो थीटा की वैल्यू होगी टैन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स. सो आई होप ये जो क्विक रिकैप है वो आपको बहुत अच्छे से समझा है. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सेलरेशन. तो इसमें दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, एक है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आपको पता है. तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, ए एवरेज इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. जनरल फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा वी की जगह पे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी सेपरेट करो इसे, आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, है कि नहीं? सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के जगह पे ए एक्स लिख सकते हो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी के जगह पे डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी के जगह पे ए वाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कि आंसर इज यस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड. अभी अगर ऊपर का इक्वेशन आप देखते हो तो इसमें ए एक्स और ए वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्पोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली कर सकते हैं कि आंसर इज यस. देखो यहाँ से यहाँ तक ये मान लो आपका वी वेक्टर है और यहाँ पे आप दूसरा कंसिडर कर रहे हो, दैट इज अ वी वन वेक्टर, है ना? तो यहाँ पे ये जो दो वेक्टर से उसको यूज करके आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ना आपको. लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेंज निकालोगे आप उसमें आपको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स निकालने पड़ेंगे. सो ए एक्स ए वाई आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एवरेज अलॉन्ग एक्स एंड वाई डायरेक्शन
रिप्रेजेंटेटेड इन अ डेल्टा टी। अभी ये डायग्राम क्या है इसके बारे में हम लोग और थोड़े टाइम के बारे में डिटेल में बात करने ही वाले, हैव अ पेशेंस। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में जनरल फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको आप AI से रिप्रेजेंट करते हो। इसके ऊपर बेस्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क के लिए, अगर नहीं तो कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में हमें यह पता होना ही चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है वो आगे का आपका जो सर्कुलर मोशन है या फिर कर्व में अगर कोई भी मोशन हो रहे हैं तो वहां पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने बोलेंगे तो उसमें यह बहुत काम की चीज है, आपको पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम आपका जीरो के नजदीक आप लेके आते हो। इसके बारे में प्रॉपर ग्राफ्स के एनालिसिस में हम लोग ने चीजों को देखा है, अंडरस्टैंड किया है। सो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, है ना, ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो AI को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, AXi cap + AYj cap, और AX और AY के लिए क्या लिख सकते हो, dvx upon dt, dvy upon dt, ये जनरल फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है कि आंसर इज ए स्क्वेयर रूट ऑफ AX स्क्वेयर + AY स्क्वेयर, ये बन गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है ये ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहले देखो आपका एक पास एक ऑब्जेक्ट है जो रैंडमली मूव कर रहा है कहाँ पे भी इन अ प्लेन। तो मान लो ये इसका पाथ है, तो एक पॉइंट हमने कंसिडर किया, लेट दैट पॉइंट इज ए, और यहाँ पे मान लो इसकी जो वेलोसिटी उसको वी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। थोड़े टाइम के बाद ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट बी पे पहुंचता है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया। अभी क्या करते हैं, ये वी वेक्टर को ऐसे लिखो, ये v1 को उठा के यहाँ पे रखो, तो आपको क्या पता चलेगा, डेल्टा वी पता चलेगा। और डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट करता है कि चेंज कौन से डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना। तो इससे डेल्टा वी के जो चेंज से उससे हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है, चेंज इन वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होती है। तो अगर मुझे डेल्टा वी पता है तो इससे हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर है। देखो ना, इधर से इधर गया तो जो चेंज हुआ है मेरा वो ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा, हम ओरली तो नहीं बता सकते गाड़ी मेरी ऐसी जा रही तो एक्सेलरेशन वैसे, नो, हमें इंस्टेंटेनियस ये पॉइंट पे जो वेलोसिटीज है वो लेनी पड़ेगी, और ये वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस यूज करके आप चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हो। सो डायरेक्शन ऑफ ए एवरेज वेक्टर देखो इधर है। अभी मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम टी लगता है, मान लो 5 सेकंड, उसके पहले का टाइम अगर आप काउंट करते हो, देखो ना डेल्टा टी मान लो आपका 5 सेकंड के बराबर है, उसके बाद 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2, 1, और उसके बाद 0 के नजदीक आप लेते हो, दैट इज अ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो 5 सेकंड अगर मान लो ये केस में, तो सेकंड केस में टाइम को रिड्यूस करते जाएंगे हम लोग। सो मान लो टाइम रिड्यूस किया आपने, सो दैट आपका ऑब्जेक्ट की पोजिशन हो गई सी, पॉइंट सी पे इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ने रिप्रेजेंट किया वी टू वेक्टर, है ना। अभी हमें जनरली आदत होती है v1 v2 v3 के सिक्वेंस में लिखने का, तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये v1 है तो पिछले वाला v2 कैसे हुआ, नाम आप कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं इंस्टेंट ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे v1 लिखो, आगे v2 लिखो, जो आपको लिखना है लिखो, हमें क्या कंसर्न है कि चेंज कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, समझ रहे हो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी लाइव क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं तो बच्चे ऐसे टाइप के सवाल पूछते हैं, तो उनके जो डाउट्स है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट अगर आपके दिमाग में भी वैसे सिमिलर टाइप ऑफ डाउट्स है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो ये मेरे पास v1 वेक्टर है, ये मेरे पास v2 वेक्टर है, एक पॉइंट पे रखो, ये चेंज आपको मिलेगा, और डेल्टा v2 ये चेंज क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए एवरेज, है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद कम करते जाना, और डेल्टा टी की वैल्यू आपको जीरो के नजदीक लेके जानी है। देखो ना फॉर्मूला, डेल्टा टी की वैल्यू किसके नजदीक लेके जानी है, जीरो के नजदीक लेके जानी है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं, मान लो आपके पास सेम पाथ है और ऐसे करते करते आपने टाइम ड्यूरेशन को बहुत कम किया, तो आपका जो पॉइंट है वो यही पॉइंट पे ए वेक्टर है ना, तो मेरे पास वी वेक्टर है, तो अभी चेंज किधर हो रहा है, दैट इज अ परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। देखो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसके जस्ट अगर मैंने आगे का थोड़ा सा पॉइंट लिया तो वेलोसिटी थोड़ी सी ऐसी होगी, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, तो जो चेंज होगा वो कैसा होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, एंड ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, क्योंकि आगे जाके जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ना है ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझता नहीं है कि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ कैसे आया, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो पॉइंट से आप कंसिडर कर रहे हो। ये आगे जाके और डिस्कस करने वाले हम लोग, हैव अ पेशेंस। तो जो सर्कुलर काइंड ऑफ मोशन होती है, जो कर्व मोशन होती है, वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका अंदर की तरफ आया, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है और ए वेक्टर अंदर की तरफ है, तो जो चेंज हो रहा है ना वो अंदर की तरफ हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? एनीवे, सो एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिक्रीजेस, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी वेक्टर चेंजेस, ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस। सो डेल्टा टी जब आपका जीरो के नजदीक आता है तो डेल्टा वी जो है वो परपेंडिकुलर होता है वी के, है ना, तो चेंज है। देखो ये डेल्टा वी,
ये हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये वाला एक वेलोसिटी लिया और इसकी जस्ट आगे अगर मैंने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया होता तो मान लो ये मेरे पास वी वेक्टर है और सेकेंड वाला ये माला कोई तो दूसरा वी फोर वेक्टर मान लो ऐसा मैंने नाम दिया। तो देखो ये चेंज किधर हो रहा है, ये डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब ये डिस्टेंस और कम कम करते जाओगे आप तो ये जो है ना वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, समझ रहे हो, तभी जाके ये जो एंगल होगा अभी ये 90 से कम है, बाद में एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, समझ रहे हो। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको वैसा मिलेगा। सो डेल्टा वी बिकम्स परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। गॉट द पॉइंट। ये आसान था लेकिन आपको अगर विजुअलाइजेशन अगर अच्छे से पढ़ाया गया होगा जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे देखा है तभी जाके ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होते। सो डेफिनेटली आपको मेरे वीडियोस के थ्रू ये सारी चीज़ें 100% मिलने वाली है। आपको क्या करना है, आपको सही ढंग से चीज़ों को फॉलो करना है। एनीवेज लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज वेक्टर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी सेपरेट करो, ए एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए आई वेक्टर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, सब्स्टिट्यूट रिस्पेक्टिव वैल्यूज ए आई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दैट इज अ मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन के साथ। यहाँ पे हम लोग ने केसेस डिस्कस किए, ये मान लो आपका पाथ है, यहाँ पे वेलोसिटी वी वेक्टर, ये वी वन वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आपको किसकी डायरेक्शन देता है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे देखो चेंज आपका कम कम जो एंगल है 90 डिग्री के नजदीक तभी जाएगा जब ये और आप नजदीक लेके आओगे। तो पॉइंट ए पे आपके पास वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन अंदर की तरफ जाएगा और इसके जो कीवर्ड्स दैट इज एज डेल्टा टी डिक्रीजेस डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी चेंजेस ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी जीरो के नजदीक लेके आओ डेल्टा वी बिकम्स परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, सो ए इंस्टेंटेनियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। सो इट वॉज अ क्विक रीकैप ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज अ जनरल मोशन इन अ प्लेन। अभी कुछ महत्वपूर्ण बात, ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अभी जो वीडियोस आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, उसको समझना है और अपने नोटबुक में सब कुछ कॉपी करना है जैसे आप प्रीवियसली करते आ रहे हो। मार्क माय वर्ड्स, इतना ब्यूटीफुल कंटेंट, सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे भी नहीं मिलने वाली है। इतना डिस्क्रिप्शन के साथ कोई भी नहीं सिखाएगा या इतना डिस्क्रिप्शन का ये जो मेहनत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आपको मोस्ट ऑफ द जगह पे नहीं मिलेगा। आपको रनिंग नोट्स मिल जाएंगे बहुत सारी जगहों पे, हज़ारों यूट्यूब चैनल से रनिंग नोट्स मिल जाएंगे। हमें प्रॉपर चाहिए क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम है कि आपका जो CBSE की बोर्ड के एग्जाम उसमें 100 में से 100 आपको लेके आना है। कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज में हमारा टारगेट ही वही है कि 100 में से 100 आपको लेके आना है। बोर्ड की एग्जाम अगर आपकी है 100 में से 100 आना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो 100 में से 100 हमारा ये टारगेट होना ही चाहिए अलॉन्ग विथ नॉलेज। एट द सेम टाइम JEE मेंस नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरे स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम अदर एग्जाम्स में आपका टॉप रैंक आना चाहिए, उसके लिए बेसिक्स अच्छे से होने चाहिए, समझ लो। डेरिवेशन ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम VT ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ्स तो हम लोग ने बहुत सारे पढ़े यार, लाइक ग्राफ के तो मुझे कितने सारे इक्वेशंस किए और बहुत अच्छा फीडबैक मिला है बहुत सारे बच्चों से। सो ग्राफ्स यूज कैसे करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो गलती से अगर आप ये मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आप प्रीवियस जाके वीडियोस चेक करना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज यूनिट्स डायमेंशंस और आगे जो है वो हम लोग ने अच्छे से कवर किया है, आप सही ढंग से देखो उसे जाके। सो वेलोसिटी टाइम है आपके पास तो ये ग्राफ का मतलब क्या है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको तो लाइक बोलेंगे कि यार ये तो एकदम सिंपल है सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एनीवेज तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है आपका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ए बी, ये ग्राफ का मतलब क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ एकदम शॉर्ट में, देखो मान लो ये है आपका ओरिजिन, ठीक है, और ये VT ग्राफ है, तो ओरिजिन पे वेलोसिटी भी जीरो होती है, टाइम भी जीरो होता है आइडियल केस में, और यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो इंक्रीज हो रही है तो अगर आपका ग्राफ होगा वो इधर से स्टार्ट होगा। सो डिपेंडिंग ऑन अ स्लोप आप आइदर बता सकते हो कि गाड़ी कितना तेज चल रही है, तो अगर आपका स्लोप ये डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जो है वो आपकी जल्दी बढ़ रही है कम टाइम में, अगर आपका स्लोप इस तरह से है तो वेलोसिटी आपकी स्लोली बढ़ रही है। यहाँ पे हमने एक कंसिडरेशन लिया है कि आपकी गाड़ी ऑलरेडी जब भी आपने स्टार्ट की थी तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो वी की वैल्यू जो थी वो ऑलरेडी यू के बराबर थी और यहाँ पे टाइम था जीरो, तो अभी आपने घड़ी स्टार्ट किया, लेकिन जब भी आपने घड़ी स्टार्ट किया तो गाड़ी की ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी दैट इज अ यू, और यहाँ से आपकी गाड़ी अभी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। सो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं, तो ये गाड़ी आपकी मूव कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू, एक पॉइंट आपने कंसिडर किया, लेट दैट पॉइंट इज अ बी, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है वी, तो हम लोग कंसिडर करें यू एज अ इनिशियल वेलोसिटी, वी एज अ फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद ओ ही आप क्या कर रहे हो, पॉइंट्स कंसिडर करो, यहाँ से आप एक प्रोजेक्शन निकालो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकालो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकालो, तो ओ ही एक पॉइंट आपको मिलेगा, उसके बाद आपके पास AD है, उसके बाद आप CB है, तो ओ ही इक्वल टू AD इक्वल टू CB होने वाला है। उसके बाद DE और AO की वैल्यू सेम होने वाली है, BD और CA की वैल्यू सेम होने वाली है। सो वन बाय वन हम लोग
यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये तीन इक्वेशन हमें कैसे लेके आने। लेकिन उसके पहले अगर डेरिवेशन मान लो अगर एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, ओरिजिन एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सारे टर्म्स आपके एक इसमें आना चाहिए। तो आप कैसे लिख सकते हो, लेट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ, लेट यू रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड वी रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी इन सर्टन टाइम इंस्टेंट या इंटरवल, लेट ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस एस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर वन। देखो तीन चार पॉइंट्स तो मैंने लाइक अपने लैंग्वेज में लिखे, तो आपको भी खुद का लैंग्वेज यूज करना है। ग्रामर आपका सही है नहीं है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आपको ये लिखने आता है या नहीं आता है, दैट इज द थिंग। ओके, तो नेक्स्ट देखो मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन के लिए लिखना है। तो ए क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ। तो अगर मैं ए बी ये अगर स्लोप कंसिडर करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा, डी बी अपॉन ए डी। देखो डी बी किधर है, तो टैन अल्फा की वैल्यू लेनी है आपको, डी बी अपॉन ए डी। अगर ये अल्फा कंसिडर करते हैं हम लोग एंगल, तो दैट इज अ एक्सेलरेशन, दैट इज अ डी बी अपॉन ए डी। ठीक है, ओके, तो डी बी अपॉन ए डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ओ ई लिख सकते हो क्या, आंसर इज यस। सो डी बी की जगह पे और क्या लिख सकते हो, देखो ये डी बी है मेरे पास, सो ई बी माइनस ई डी, EB माइनस ED, EB माइनस ED, तो ये EB माइनस ED अपॉन OE, EB की जगह पे क्या लिख सकते हो, EB, देखो EB, V लिख सकते हो, और ED की जगह पे क्या लिख सकते हो, U लिख सकते हो, सो है ना, सो V माइनस U अपॉन T, है ना, तो ये इक्वेशन मिला, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, सो V इज इक्वल टू U प्लस AT, गॉट द क्वेश्चन, आसान था ना, ओके, नेक्स्ट S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अभी जिसके पास दिमाग है बस उसको आएगा, है ना, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे लेके आ सकते हो, सॉल्यूशन मत देखो ये कैसे किया है, पहले ये डायग्राम देख के आप सोचो कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर तक आप कैसे पहुंचोगे, आपको डिस्टेंस चाहिए एंड में जाके, है ना, तो अगर आप एरिया अंडर द कर्व लेते हो, एरिया अंडर द कर्व लेते हो, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है, तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ले लेता हूं तो मुझे डिस्टेंस की वैल्यू मिल सकती है क्या, सोचो थोड़ा सोचो, यस मिल सकता है। सो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है। ये क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ए आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, सो डी बी अपॉन ए डी, है ना, तो डी बी अपॉन ए डी की जगह पे आप टी लिख सकते हो, है ना, इतना ही तो टाइम गया आपका जीरो से टी तक। एनी वेज, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो टाइम है दैट इज अ टी, सो दैट आपको कुछ टेंशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, डी बी की वैल्यू किसके बराबर आई, ए इंटू टी। लेट एस रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। देखो ओ ए बी ई, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना है जिसमें एक ट्राइंगल भी है और एक रेक्टेंगल भी है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी, देखो ओ ए डी ई, और उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए इंटू ओ ई, है ना, ओ ए इंटू ओ ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बी डी और ए डी। सो ये लिख दिया आपने, सो ओ के ओ ए की जगह पे यू लिखो, ओ ई की जगह पे आपने टी लिखा, हाफ ऑफ डी बी की जगह पे, देखो डी बी चाहिए था ना आपको, तो डी बी की जगह पे ए टी लिखा, और ए डी की जगह पे आपने टी सब्स्टिट्यूट किया, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया था आपने, एरिया अंडर द कर्व निकाला, और उसके बाद आपको यहाँ पे AD की वैल्यू DB की वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए फिर आपने यहाँ पे सिर्फ A का इक्वेशन लिया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये इक्वेशन हमें चाहिए। तो किस तरह से हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, है ना, ओ ए बी ई। सो एस इक्वल टू हाफ ऑफ ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ई। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, इसका इक्वेशन आप कैसे मिल सकता है आपको, हाफ ऑफ sum of opposite sides into perpendicular distance, so b plus oa into ad, ये हो गया आपका formula, है ना, या फिर oe बोलो, आपको जो बोलना है perpendicular distance आप ले सकते हो, answer will be same, so half of eb plus ed और oe, लेकिन यहाँ पे आप oa के जगह पे ed substitute कर सकते हो, तो oa के जगह पे ed substitute किया, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ value substitute करनी होगी, that is the only reason, so a represents slope of a vt graph, so a क्या होता है आपका, a db upon ed, देखो db upon ed AD, so EB minus ED upon OE, EB minus ED upon OE, तो ये एक इक्वेशन मिला। अभी आपके पास क्या है, OE का एक इक्वेशन है, OE का इक्वेशन EB minus ED upon A, इसको रीअरेंज करो तो OE का इक्वेशन मिलेगा, लेट दिस इज माय इक्वेशन टू, तो यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, तो अभी क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो, सो पुट टू इन अ वन, तो S इज हाफ ऑफ EB plus ED, और यहाँ पे OE की जगह पे क्या लिखोगे, EB minus ED upon A, ठीक है, तो रीअरेंज करो, हाफ ए
eb square minus ed square, है कि नहीं? So eb के जगह पे आप लिखोगे v, ed के जगह पे आप लिखोगे u. तो रीअरेंज करो इसे, v square equal to u square plus 2s. तो ये यूज करके आप v square equal to u square plus 2s ये इक्वेशन लेके आ सकते हो. देखो अलग अलग तरीके होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, है ना? सो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन अ vt ग्राफ. तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ए बी डी ओ ई और सी, ये सारे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स है. यू रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, वी रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, ओ रिप्रेजेंट ओरिजिन, एस रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल, ए रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लोप लेना है. ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए डी, रीअरेंज द वैल्यूज, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एरिया अंडर द ट्रेपेजियम जिसमें ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल आपको कंसिडर करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, गेट द आंसर. उसके बाद अगेन आपको एरिया अंडर द कर्व कंसिडर करना है, लेकिन इसके लिए एस इक्वल टू हाफ ऑफ, आपको अलग फॉर्मूला यूज करना है ट्रेपेजियम के लिए, ए बी प्लस ए डी इंटू ओ ए, सब्स्टिट्यूट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, गेट द फाइनल आंसर, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. सो इट वॉज अ क्विक रीकैप ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वीटी ग्राफ. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अभी प्रोजेक्टाइल मोशन ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपके बोर्ड्स के एग्जाम से रिलेटेड भी, एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में मिलेंगे, जेई एडवांस में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, नीट एग्जाम में भी मिलेंगे. तो जितने भी टॉप की जो कॉम्पिटिटिव फिजिक्स की एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें बेसिक से हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसकी सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जितने भी इसके फॉर्मूले इसको सही ढंग से हम लोग डिराइव करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे इनिशियल लेवल पे, सो दैट सारे स्टेप्स आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे. बाद में जब आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों के ऊपर काम करना है, लाइक जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तभी अगर आपको फाइनल फॉर्मूले भी पता है तो भी आपका काम होगा. लेकिन हम लोग कुछ भी बिना स्किप किए हुए यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. सारे फॉर्मूलेस को सही ढंग से अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो आपके दिमाग में वो डाउट की गुंजाइश होती है ना, वो होगी ही नहीं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है. मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको थ्रो किया, तो यहाँ से थ्रो करने के बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर से ऐसे मूव होकर एक पॉइंट पे गिरेगा. उदाहरण के तौर पे मान लो मेरे पास एक बास्केटबॉल है, उसको अगर मैंने थ्रो किया जमीन से, है ना, तो यहाँ से कुछ एंगल से वो मूव करेगा और जमीन पे गिरेगा, ठीक है. या फिर देखो ना, क्रिकेट खेल रहा है कोई या गोल्फ खेल रहा है, तो जब भी वो हिट करते हैं बॉल को, तो बॉल आपका ऐसे मूव होके ग्राउंड के बाहर जाता है, तो जो पाथ होता है ना बॉल का, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हजार पॉसिबल एप्लीकेशंस है, और मैं बहुत सारे एप्लीकेशंस बताऊंगा, लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, मोबाइल गेम्स में प्रोजेक्टाइल मोशंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस है. हम लोग ने प्रीवियसली वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन के किस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में यूज होते हैं, कैसे गेम्स बनाए जाते हैं, उसका एक थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी एक डिस्कस किया है जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. और अभी भी मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 3 मार्क के लिए आता है. 2 मार्क के लिए कैसे आएगा, आपको डिफाइन करने बोलेंगे और इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, या फिर कभी कभी सिर्फ डायग्राम और डेफिनेशन पूछते हैं एंड उसके रिलेटेड कुछ कंसिडरेशंस पूछते हैं. तो ऐसा 2 मार्क का या 3 मार्क का सवाल आपका बनता है, तो आपको उससे रिलेटेड सारे नोट्स होने चाहिए आपके पास, सो दैट एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर पाओ और लिख पाओ, दैट इज अल्टीमेट पर्पज. तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन. प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करोगे तो इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेट दैट इनिशियल वेलोसिटी इज अ यू, और ये एक हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल इज थीटा, है ना, एंड देन अलाउड टू मूव इन अ टू डायमेंशन. तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो टू डायमेंशन होता है, एक प्लेन में ये मूव कर रहा है, समझ रहे हो. तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो ये देखो ना, बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है, या मान लो मैं ऐसे खड़ा और मैंने ऐसे बॉल को थ्रो किया, तो जो बॉल का पाथ होगा दैट विल बी एक प्लेन. अभी आप बोलेंगे अगर ऐसे बॉल को थ्रो किया तो वो एक प्लेन हो जाएगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पे टू डायमेंशन के बारे में बात होगी. सो मूव इन टू डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी अलोन, है ना, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एन इंजन और अ फ्यूल. तो एक बार आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो उसको अलग से आपको कुछ फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. सो ग्रेविटी के इफेक्ट के हिसाब से वो प्रॉपर अपना पाथ फॉलो करेगा और नीचे गिरेगा. सो ये है आपका एक बेसिक चीज. अभी यहाँ पे देखो, मान लो ये मेरे पास अर्थ है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये इधर से इधर गिरेगा, है ना. मान लो और जोर लगाया, इधर से इधर गिरा, तो ऐसे हो सकता है क्या? इसके बाद जोर लगाया और इधर से गिरा ही नहीं और सिर्फ घूम रहा है, ऐसा होता है क्या? ठीक है, जब भी ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज़ आपको इससे रिलेटेड में बताऊंगा, ग्रेविटेशन में बताऊंगा, समझ रहे हो. फिलहाल तो आप ये ऐसे ही अपने दिमाग में रखो, क्योंकि जो बच्चे कंसिस्टेंटली लेक्चर देखेंगे उनको पता होगा कि सर ने प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा कुछ बोला था, और ग्रेविटेशन में वापस हम लोग इसके बारे में एक बार बात करेंगे. एनीवेज, सो यहाँ पे
अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी अलोन विदाउट बींग प्रोपेल्ड बाई इंजिन और अ फ्यूल. ठीक है, तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया वन मार्क के लिए, आपको इसको याद रखना है. पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल को बोलते हो आप ट्रैजेक्टरी. ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन. एक दो बार आप मेरे साथ बोलोगे तो फिर आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा. ठीक है, मैं आगे बोलूंगा, आप पीछे बोलोगे. आपका जनरल फॉर्मेट है जो प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी. बोलो, प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशंस under the action of a gravity alone without being propelled by an engine or fuel. One more time, projectile is a name given to the body thrown with some initial velocity with horizontal direction and then allowed to move in two dimensions under the action of a gravity alone without being propelled by an engine or fuel. ठीक है, ओके. पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल को आप बोलते हो ट्रैजेक्टरी. तो यहां पे एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, अगर आपके पास राइफल है, अगर आपने बुलेट फायर किया है, या फिर आपके पास एक तोफ है बड़ी सी, आपने तोफ फायर कर दी है ना, तो जो उसका पाथ होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. एंग्री बर्ड का आपने गेम खेला होगा, अपने गूगल पे स्टोर पे है एंग्री बर्ड, है ना, तो आपने खेला होगा वो गेम, तो ये गेम देख के भी आपको लाइक प्रोजेक्टाइल का फील आता है. तो देखो गेमिंग में भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस है. एनीवेज, अभी यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ से जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो यहाँ पे इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट आता है, दैट इज यू कॉस थीटा यू साइन थीटा. तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहेगा एवरीवेयर. सिर्फ आपका जो चेंज होगा ना वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा. मान लो ये पॉइंट अगर आप देखते हो तो देखो ये यू कॉस थीटा तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका चेंज होगा यू साइन थीटा, ये इतना होगा. फिर पॉइंट एच पे ये जीरो हो जाएगा, यू कॉस थीटा आपका सेम रहेगा. वैसे फिर नीचे 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 आते आते यू कॉस थीटा आपका फिक्स रहेगा, सिर्फ चेंज जो होने वाला है दैट इज अ यू साइन थीटा. तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन. यहां पे एयर की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगेगा ऐसा हम लोग मान के चलेंगे. इंक्रीज और डिक्रीज इन अ वेलोसिटी विल बी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो वर्टिकल ऊपर जा रहा है तो एंड नीचे आ रहा है तो, इस तरह से ड्यू टू ग्रेविटी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, है कि नहीं. सो नो इफेक्ट ऑन ईच अदर. तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स. उसके बाद नेक्स्ट कंसिडरेशन, एयर की वजह से कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा. अर्थ का कर्वेचर जो है वो नेग्लिजिबल है. देखो ना, आप जमीन के ऊपर फेंक रहे हो तो आपकी अर्थ बहुत बड़ी है ना, उसके हिसाब से अगर आप देखते हो यहाँ पे आप छोटे से खड़े हो और उसके ऊपर बॉल फेंकोगे या जो भी ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो अर्थ के साइज के हिसाब से तो आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाओगे, समझ रहे हो. लाइक आपने कुछ 10 मीटर फेंका, 5 मीटर फेंका, तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है. एनीवेज, अर्थ कर्वेचर नेग्लिजिबल होता है तो ये अफेक्ट नहीं करेगा. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी कॉन्स्टेंट इन अ मैग्नेट डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑन द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी. हमें पता है कि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा हम लोग एवरेज लेते हैं. तो अभी हमने क्या किया है, अभी हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक जस्ट डायग्राम देखा, उसके बाद हम लोग ने उसकी डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन याद करने की कोशिश की, समझेंगे हम लोग थोड़े टाइम के बाद. इसके बाद इमीडिएटली की पॉइंट्स देखे और कंसिडरेशन देखा. तो आई होप अगर दो मार्क के लिए अगर प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन लिखने आता है और उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स वगैरह लिखने आते हैं तो आपको वो अच्छे से लिखने आएगा. प्रोजेक्टाइल मोशन और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने ही चाहिए. सो कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में इसके जो फाइनल आंसर्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको वो फॉर्मूले पता होने ही चाहिए, सो दैट जो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो आप बहुत फास्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कम टाइम में चीजों को करेक्टली सॉल्व करना, करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आना. यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ वेरी मच डिटेल में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको पीछे दिख रहे हैं ना बहुत सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं वो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से आपके दिमाग में वो प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले. अभी ये स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है. जो भी पढ़ रहे हैं उसके किधर ना किधर तो एप्लीकेशन है, तो जितने पॉसिबल हो सकते उतने में बताऊंगा. ठीक है, हम लोग ने प्रीवियसली एक चीज़ डिस्कस की थी कि लाइक एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, वन डायमेंशन टू डायमेंशन मोशन के, तो ये हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन ये कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, मान लो आप
आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बास्केटबॉल है, आप उसको थ्रो कर रहे हो, है ना। तो जब आप बास्केटबॉल को थ्रो करते हो तो जमीन से आप उसको एक स्पेसिफिक एंगल पे फेंक रहे हो, तभी जाके वो एक बास्केट में जाएगा, है ना, और आपको एक स्कोर मिलेगा। दूसरा, आपने एक गेम खेला होगा एंग्री बर्ड, है ना। तो एंग्री बर्ड जो गेम आप खेल रहे हो उसमें क्या होता है, आप ऐसा है ना, वो एक बर्ड होता है आपके पास, उसको आप थोड़ा सा पीछे खींचते हो, सो दैट आपको एक ट्रैजेक्टरी पता चलती है कि वो इस तरह से जाके वहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हिट करेगा। तो देखो ना, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके उन्होंने कितने ब्यूटीफुल गेम बनाए। तो समझ रहे हो, मतलब वहां पे जो प्रोग्रामिंग की जाती है ना, वहां पे ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज किया जाता है, ये इक्वेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पे जो पाथ फॉलो किए जाते हैं ना उसके लिए जो इंटरनल प्रोग्रामिंग्स होते हैं उसमें वो पार्ट्स में आपको लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है कि ये एंगल से फेंकेंगे तो यहां पे जाके हिट करेगा, ऑब्जेक्ट्स को रखना पड़ता है, और वो जो यहां पे हम लोग देखने वाले वो सारे इक्वेशंस, तो यहां पे जो आप पढ़ रहे हो ना उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वहां पे आपको दिखने वाले। दूसरा, आपको इसके एप्लीकेशंस कहां पे दिख सकते हैं, लाइक मोस्टली तो गेमिंग में ही आपको इसके एप्लीकेशंस दिखने वाले। मान लो एक छोटा सा टेरिटोरी आपने लिया है और उसके ऊपर आपको ऐसा बॉम्ब हिट करना है, है ना। तो वो जो छोटा सा टेरिटरी है उसके ऊपर मान लो कुछ तो ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, एक थ्रो से बॉम्ब को हिट कर, बॉम्ब से आप वो एक टेरिटरी उड़ा सकते हो, ऐसे टाइप के कुछ जो चीज़ है। या फिर मान लो आपको एक मिसाइल लॉन्च करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में ये गेम के बारे में बात हो रही है, तो गेम में अगर मिसाइल्स अगर आपको लॉन्च करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज़ करते हो। तो ये तो हो गए लाइक गेमिंग से रिलेटेड बातें, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बातें। अभी और एक इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। आपको पता है लाइक पुराने जमाने में ऐसे तोफ हुआ करती थी, है ना। तो तोफ को कहाँ पे रखते थे, ऐसा एक हिल एरिया जो होता है ना उसके टॉप पे रखते थे। मान लो ये एक हिल एरिया है, ठीक है ना, और इसके टॉप पे ऐसा तोफ को रखा जाता था, और मान लो यहाँ पे कोई एनिमी वगैरह आ रहा है ना, तो यहाँ से वो हिट करते थे। तो देखो ना, ये पाथ देखो, पाथ तो ये ना एक प्रोजेक्टाइल वाला पाथ होता है, तो जो यूज़ करते थे ना ये सारे तोफ, तो उनको पता होता था कि कौन से एंगल पे इसको रखना है, सो दैट वो जाके एग्जैक्टली वहाँ पे हिट करेगा। तो ये एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन आप कहाँ पे देख सकते हो, मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मिसाइल लॉन्च करना है ना, बैलिस्टिक काइंड ऑफ मिसाइल्स होते हैं, क्रूज मिसाइल्स होते हैं, तो मिसाइल्स को जब एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्च करते हो तो इसका परफेक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप हिट करोगे। मान लो एक वॉर टाइम सिचुएशन है और आप एरोप्लेन के पायलट हो, आप एयरफोर्स में हो, आपको मान लो एक टेरिटोरी को हिट करना है या जो दुश्मन का एक कैंप होता है वहां पे हिट करना है बॉम्ब को, है ना। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो पढ़ते हैं या फिर जो पायलट्स वगैरह बनते हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है, तो ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती है कि भाई इस तरह से होता है चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ है, सो दैट कम्स इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन। अभी वन बाय वन इसके डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, सो दैट ये जो चीज़ है ना वो आपको अच्छे से और विजुअलाइज करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने थ्रो किया, तो यहाँ से जब आप थ्रो करते हो तो ये जो ब्लू वाला लाइन है इसको आप देखो, आप यहाँ से आके ये पॉइंट बी पे हिट कर रहा है, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट ने एक मैक्सिमम जो हाइट अटेंड किया था उसको आप ए एच से रिप्रेजेंट करो, इसको आप स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करना कर सकते हो। अभी यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को भेजा है, तो जब आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को भेज रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, लेकिन ये जो यू इनिशियल वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, लेट दैट एंगल इज ए थीटा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स ऑलरेडी आपने देखा है, तो ये यू कॉस थीटा है और ये आपके पास है यू साइन थीटा, तो एक्जैक्टली ये रेक्टेंगल होना चाहिए, कुछ भी मत करके आओ एग्जाम में, समझ रहे हो ना। तो ये यू कॉस थीटा हो गया, ये यू साइन थीटा हो गया। अभी यहां से जैसे आप ऊपर 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 जाना स्टार्ट करोगे ना, आपका ये जो यू कॉस थीटा है ना ये चीज आपकी हमेशा सेम रहेगी, आपका चेंज कौन होने वाला है, ये यू साइन थीटा चेंज होने वाला है। तो पहले केस में ये बड़ा है, तो जैसे ही आप ऊपर 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 जाओगे तो ये जो यू साइन थीटा ये कम होगा कम होगा कम होगा, एक पॉइंट पे यू साइन थीटा रहेगा नहीं, सिर्फ यू कॉस थीटा रहेगा, और उसके बाद वापस जब आप नीचे आओगे तो यू कॉस थीटा आपका फिक्स रहेगा, आपका इंक्रीज जो होने वाला है दैट इज यू साइन थीटा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा वो ज्यादा अफेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस द सेम। एनीवेज अभी यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये जो अंतर होता है इसको बोलते हैं रेंज। एनीवेज ये हो गई आपकी हाइट, तो ये कुछ बेसिक चीज है, ये बेसिक चीजें यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग अभी देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अभी पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकालना है कि मतलब कैसे इसने पाथ कवर किया है, तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई अंतर निकालना है। तो वन बाय वन हम देखते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट टी ऑब्जेक्ट रीचेस एट अ पॉइंट पी एक्स वाई। तो ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है तो कोई तो एक रैंडम पॉइंट कंसिडर करो, लेट दैट पॉइंट इज अ पी, और ये पॉइंट पी पे ऑब्जेक्ट कब आता है, कोई तो एक टाइम होगा, लेट दैट टाइम इज अ टी, आई एम सॉरी। सो एक्स यहां से यहां तक एक्स जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंट टी, एंड वाई है वर्टिकल अंतर, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंट टी। तो यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आप अपने नोटबुक में जब कॉपी करोगे तभी आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट मोशन अलोंग ओ एक्स, तो यहां पे हमें दो चीजें निकालनी है, दैट इज ओ एक्स के अलोंग क्या मोशन हो रहा है और ओ वाई के अलोंग क्या मोशन हो रहा है, तभी जाके हम लोग को एक ओवरऑल उसका पोजिशन पता चलेगा। एनीवेज सो
सिंस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अ कांस्टेंट, सो यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बात करते हो तो यू कॉस थीटा आपको हर जगह पे दिखाई देगा. सो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अ जीरो. सो एक्स की वैल्यू आपकी जीरो हो गई. देयरफॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी अलोंग ओ एक्स, सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने देखा है. लेकिन उसके पहले ये इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करो, सो यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे मान लो एक्स नॉट ये आपका ओरिजिन है, आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो, है ना. यू एक्स आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है जिसको आप यू कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हो. ए एक्स आपका एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन आपका जो है वो जीरो है क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. तो यहाँ पे अगर ये सारी चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्टीमेटली एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, ये इक्वेशन आपको मिला. अभी यहाँ पे टी की वैल्यू दैट इज कौन से इंस्टेंट पे ये एक पॉइंट पे पहुंचने वाला है वो आपको मिल गया. तो टी इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, सो डिपेंडिंग अपॉन अ वैल्यू ऑफ एक्स यू एंड कॉस थीटा आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो. या फिर अगर आपको टी यू कॉस थीटा दैट इज थीटा पता है तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो. तो इसमें से मान लो तीन क्वांटिटीज पता है तो फोर्थ आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये हो गया आपका मोशन अलॉन्ग ओ एक्स वाला पार्ट. मोशन अलॉन्ग ओ वाई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है इसको किस तरह से कैलकुलेट करें. सिंस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम ओ टू पी, तो ओ से पी तक जब भी आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ना तो वेलोसिटी आपकी कम 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 होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है. सो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज अ माइनस जी, माइनस जी हम लोग ले रहे हैं. देयरफॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ओ वाई, तो ओ वाई के लिए पोजीशन का इक्वेशन यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर लिखा था. सो अगर वर्टिकल के लिए लिखना है तो सर्टनली मुझे अल्फाबेट वाई यूज करना पड़ेगा. सो क्योंकि एक्स और वाई हम कंसिडर कर रहे हैं और कुछ नहीं, सो वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. सो वाई जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई. यू वाई की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, इट इज यू साइन थीटा के बराबर है. और ए वाई की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर. तो ये सारी क्वांटिटीज आपके पास है, सो वन बाय वन यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू t, क्योंकि आपका y नॉट जो है जीरो है तो यू वाई के जगह पे आपने यू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो यू साइन थीटा इनटू t माइनस हाफ ऑफ ए वाई के जगह पे आपने g सब्स्टिट्यूट किया और यह बन गया आपका t स्क्वायर. सो यहां पे देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इक्वेशन है लेकिन यहां पे मेरे पास t ये टर्म आया और ये t की वैल्यू मैं यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. तो सब्स्टिट्यूट करते तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t के जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ g, t की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे u अपॉन cos थीटा लेकिन इसका पूरा का पूरा स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू यहां पे देखो ये u u कट हो जाएगा, बचेगा क्या x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ g है आपके पास, ठीक है ना. और आपके पास u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है इंटू x स्क्वायर. आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको x के टर्म्स में चीजों को लेके आना है. क्योंकि अगर बाकी की चीजें देखते हो तो रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, तो बाकी की चीज अगर कॉन्स्टेंट है तो x के टर्म्स में हम लोग ये इक्वेशन को लेके आ सकते हैं क्योंकि हमें फाइनली एक पैराबोला का इक्वेशन मिलने वाला है. सो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो tan थीटा इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और ये वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं बीटा, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज है. सो y इज इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर. तो ये बनता है आपका पैराबोलिक इक्वेशन और ये इक्वेशन यूज करके आप y की पोजीशन निकाल सकते हो, मतलब y और x की वैल्यूज को इजीली निकाला जा सकता है. देखो ना यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई, समझ रहे हो. सो ये यूज करके आपको पोजीशन एग्जैक्टली पता चल जाएगी. अभी यहाँ पे जो इक्वेशंस यूज किए हैं ना ये पैराबोलिक इक्वेशंस, उसको एक्चुअल में यूज किया जाता है, समझ रहे हो. तो ये इक्वेशंस यूज करके इजीली कोडिंग को यूज करके बेहतरीन गेम्स को बनाया जा सकता है. आप एक बार चेक करना कि इस तरह से होता है या नहीं होता है, वेरीफाई तो करो जाके, है ना. सो नेक्स्ट टाइम ऑफ अ फ्लाइट, ये क्या चीज है. अभी यहां से यहां तक आपको जाना है और यहां से यहां तक आपको आना है, तो डायरेक्टली आप पूरा का पूरा जो है इसका आंसर नहीं ले सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये आधा लेना पड़ेगा और उसके बाद आधा लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो यहां से यहां तक आप ऊपर जा रहे हो और उसके बाद ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ये एसेंड हो रहा है ये डिसेंड हो रहा है. तो टाइम ऑफ एसेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, है ना, एक्सेंड मतलब ऊपर नीचे. एनी वे, सो टाइम ऑफ अ फ्लाइट टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन अ फ्लाइट, सो दैट इज रिमेन इन एयर. सो वाइल गोइंग फ्रॉम जीरो टू बी, तो जीरो से बी तक जाने के लिए ये कितना टाइम हवा में है, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. सो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया तो सबसे पहले जीरो से एच, है ना. सो टाइम टू मूव फ्रॉम जीरो टू एच इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम एच से बी तक जा रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट. तो ये दो चीजें मुझे मिल गई. सिंस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू बी इज अ सिमेट्रिक, है ना, तो जीरो से बी तक जा रहा है तो ये सिमेट्रिक है ना, इधर से इधर जैसा होगा वैसा ही इधर से इधर होगा, तो सिमेट्रिक है. सो कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस time of a descent which is a t plus t which is a 2 times t. तो इसका मतलब small t की value कितनी आई आपकी, capital T divided by 2, समझ गया. तो ये बन गया आपका एक instant की value.
अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू तक किस तरह से पहुंचे. सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. आपके पास तीन ही इक्वेशन है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. ये तीनों में से कोई तो एक यूज करना है, तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सूट होता है दैट इज वी वाई प्लस इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. ये यूज करके आप इजीली कैपिटल टी की वैल्यू निकाल सकते हो. हियर यू वाई की वैल्यू आपकी यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, टी की वैल्यू है टी बाई टू, वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज वी वाई इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट की, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी बाई टू सब्सिट्यूट करो, स्मॉल टी के जगह पे टी बाई टू सब्सिट्यूट किया है, तो इसका मतलब रीअरेंज करो ये यू साइन थीटा एक जगह पे आएगा डिवाइड बाई जी और मल्टीप्लाई बाई टू, तो इसका मतलब टी की वैल्यू क्या होगी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी. समझ गए आप? तो ये क्या है आपका, किसका इक्वेशन है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट द आइडिया? ओके, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने डायग्राम देखा, जीरो से बी तक आपका एक ओवरऑल पाथ है, ये आपकी वेलोसिटी यू, ये है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ये पॉइंट एक कोई तो एक रैंडम पॉइंट एक्स वाई, ये है एच यू कॉस थीटा. सो यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम, चेंज कौन होगा, यू साइन थीटा ऐसे 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 जीरो, फिर ऐसे 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 नीचे पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी की वैल्यू आपने निकाली, सिमिलरली वाई की वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो दैट इज अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. सो वाई इज अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला जीरो से एच तक और उसके बाद एच से बी तक, सिमेट्रिक नेचर है. इक्वेशन कौन सा यूज कर रहा है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यहाँ पे वैल्यू सब्सिट करो तो कैपिटल टी की वैल्यू टू यू साइन थीटा अपॉन जी. ये इक्वेशन पता होना ही चाहिए आपको. आई होप अभी तक हम लोग ने जितना भी डिस्कस किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझा है. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ मैक्सिमम हाइट. तो यहां से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो मैक्सिमम हाइट भी तो पता होनी चाहिए कि कितना ऊपर जाएगा वो, जमीन से कितना ऊपर होगा. सो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑप्टेन बाय एन ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. तो यहां से यहां तक ये जो टाइम है ना, सॉरी फ्लाइट है, ये इसका पाथ है. तो मैक्सिमम जमीन से कितना ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट. अभी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कैसे करोगे आप, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. ये तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आपका काम होगा क्या? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आपका काम होगा क्या? तो आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट है ना. तो आप अगर सेकंड वाला इक्वेशन यूज करते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखते हैं कि इससे काम होगा क्या. तो सबसे पहले देखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमें इसका दूसरा फॉर्म लिखना पड़ेगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. अब यहां पर सब कुछ सब्सिट्यूट करना पड़ेगा. वाई के जगह पे आप एच सब्सिट्यूट करो क्योंकि ये इतना ऊपर जाने वाला है एच. यू वाई के जगह पे आप यू साइन थीटा सब्सिट्यूट कर रहे हो, ए वाई के जगह पे माइनस जी. आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? ओरिजिन से. और टी की वैल्यू कितनी है? देखो यहां से यहां तक मूव कर रहा है तो टाइम की वैल्यू हमें पता है, दैट इज अ टी बाई टू. सो टू यू साइन थीटा अपॉन टू जी, तो टू टू कट हो जाएगा, तो इसके लिए यू साइन थीटा अपॉन जी लिखा है. तो यहां पे आपके पास सारी क्वांटिटीज है, तो ये सारी क्वांटिटीज अगर आप ऊपर के इक्वेशन में सब्सिट्यूट करोगे तो अल्टीमेटली हाइट की वैल्यू आपको पता चलने वाली है. सो एच इज इक्वल्स टू सब्सिट्यूट करो, ये तो जीरो होगा आपका, यू साइन थीटा टी के जगह पे यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी यू साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर. तो ये बन गया आपका इक्वेशन. अभी यहां पे देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और यहां पे प्लस हाफ और ये जी और इसमें से एक जी कट होगा, तो क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सिंगल जी आएगा, तो ये वन है और ये हाफ है. सो अल्टीमेटली एच की वैल्यू होगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. तो ये बन गया आपका इक्वेशन. ये इक्वेशन आपको रट्टा होना चाहिए. तो इसके जो फाइनल आंसर है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके फाइनल आंसर आपको याद होने ही चाहिए, तभी जाके आपके न्यूमेरिकल फास्ट बनने वाले. नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज मतलब यहां से यहां तक कितना अंतर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है. तो सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन देखो. यहाँ पे ये सब जो पढ़ रहे हो ना, बोर्ड्स पर्सपेक्टिव एक एक मार्क के लिए एक्सप्लेनेशन में पूछते हैं कि क्या इक्वेशन होगा, डिराइव करो, या फिर दो या तीन मार्क के लिए पूरा पूछते हैं. अगर वैसा नहीं तो इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल के टाइम पे आपको डिराइव नहीं करना है, आपको फाइनल फॉर्मूले पता है तो भी आपका काम होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे अगर आपको ये सारे इक्वेशंस यूज करके ये इक्वेशंस तो किस तरह से पहुंचना है ये अगर पता है तो शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करने में आपको बहुत फायदा होता है. तो हॉरिजॉन्टल रेंज को एक का डेफिनेशन एक बार देखते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. तो यहां से प्रोजेक्ट हुआ, यहां पे हिट हुआ, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज. यहां पे वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला है. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है कि नहीं. तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहां पे वेलोसिटी की जगह पे आप यू कॉस थीटा लिख रहे हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है दैट इज बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज यू कॉस थीटा जो आपकी सेम है.
यहाँ पे कितना अंतर कवर किया जा रहा है, दैट इज अ कैपिटल आर, और टाइम कितना है, टोटल टाइम कैपिटल टी. सो यहाँ पे आर की वैल्यू होगी यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी, समझ रहे हो. तो यहाँ पे कैपिटल टी की जगह पे व्हाट यू विल सब्स्टिट्यूट, यू साइन थीटा अपॉन टू जी, सो टू यू साइन थीटा अपॉन जी, सॉरी कैपिटल टी की जगह पे टू यू साइन थीटा अपॉन जी सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यू कॉस थीटा इनटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी. तो यहाँ पे यू और यू, तो यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसको एक साथ लेके आओ इनटू जी. तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा को आप लिख सकते हो साइन ऑफ टू थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आर की वैल्यू होगी आपकी यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा अपॉन जी, तो ये बन गया आपका आर का इक्वेशन, और आर है आपकी रेंज, तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपका रट्टा होना चाहिए. अभी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से अगर आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो मैक्सिमम कितना अंतर वो कवर कर सकता है, जिसको आप आर मैक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो आर मैक्स तभी हो सकता है जब भी आप यहाँ पे साइन टू थीटा, ये जो टर्म है वो आपका वन बनेगा, और साइन टू थीटा का टर्म आपका वन कब बनेगा, है ना, जब भी थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 वन होता है. तो यहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू वन होनी चाहिए, और इसके लिए टू थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. देखो साइन इनवर्स ऑफ वन कब होता है, जब भी 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए. अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तभी जाके आर मैक्स आपका होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, समझ रहे हो. तो ये बन गया आर मैक्स की वैल्यू, ठीक है. एनीवेज तो ये था आपका इक्वेशन, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टू एंगल्स ऑफ अ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, और जब आप फेंक रहे थे तभी एंगल था 15 डिग्री, और ऑब्जेक्ट जाके आपका यहाँ पे गिरा. तो और एक पॉसिबल केस है, मतलब आप एंगल 75 डिग्री अभी रखते हो तो ऑब्जेक्ट आपका वहां पे ही जाके गिरेगा. मतलब दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपका जो रेंज है उसकी वैल्यू सेम है. तो ये कब तक पॉसिबल होता है वो हमें चेक करना, और सिर्फ 45 डिग्री ऐसा एक एंगल होता है जो एक ही बार आएगा. देखो ना, मतलब अगर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट फेंका तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, है ना. तो अगर आप वर्टिकल के साथ भी देखते हो या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ भी देखते हो तो आपका वो एंगल जो है वो 45 डिग्री ही रहने वाला है. तो वन बाय वन ये जो चीज़ है यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट की उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू इफ मेक्स एन एंगल ऑफ अ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, सो रेंज आपकी लेट दैट इज आर वन, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला आपके पास. सो ये हो गया आपका आर वन का वैल्यू. नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू इफ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा. तो अगर ये थीटा आपका, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, पूरा 90 माइनस थीटा बनेगा, है कि नहीं. तो 90 माइनस थीटा, अगर इतना भी अगर आप एंगल लेते हो, देखो ये अगर 15 डिग्री है ये केस में, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 15 कितना होगा, 75 होगा, है कि नहीं. सो आर टू होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा, थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा, है ना, ये सब्स्टिट्यूट करना है हमें थीटा की जगह पे. तो इसको अगर आप ओपन करोगे यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस टू थीटा, एंड उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आंसर आपको यही मिलने वाला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये यूज करोगे तो अल्टीमेटली साइन टू थीटा ही आपको मिलेगा. तो अगर आप ये दो इक्वेशन को देखते हो, दैट इज आर वन एंड आर टू की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो, तो बोथ द फॉर्मूला आर सेम, सो वी कैन से दैट आर वन एंड आर टू दोनों सेम है. सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम फॉर एंगल ऑफ अ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा. लेकिन अगर आप 45 डिग्री कंसिडर कर रहे हो थीटा की वैल्यू, तो 90 माइनस थीटा भी 45 डिग्री ही होने वाला है. सिर्फ बाकी के केसेस ऐसे होंगे जिसमें थीटा की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे 10 ली तो यहाँ पे 80 आएगी, यहाँ पे 30 ली तो यहाँ पे 60 आएगी, है कि नहीं. लेकिन आपका जो डिस्टेंस होगा या हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो ये था कंप्लीट डिस्कशन टू एंगल्स ऑफ अ प्रोजेक्शन और सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. लेट्स हैव अ क्विक रीकैप. यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया यहाँ से यहाँ तक का एच. एच कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन कौन सा यूज किया आपने, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करो रिस्पेक्टिव वैल्यू, वाई की जगह पे एच, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई की जगह पे माइनस जी, वाई नॉट आपका जीरो है, जीरो से स्टार्ट करो, टाइम कितना है, आधा टाइम लगेगा टी का, सो टी बाई टू, दैट इज अ टू यू साइन थीटा अपॉन टू जी, टू टू कट हो जाएगा आपका, सो एच इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ माइनस जी यू साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला आपको रट्टा होना ही चाहिए. उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज आपने निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट्स ऑफ अ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. तो जहां से प्रोजेक्ट किया और कहां पे हिट कर रहा है इसके बीच का अंतर. तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो u cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन t, r डिस्टेंस से t टाइम है, ये वेलोसिटी हो गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप कंसीडर कर रहे हो. तो r का मतलब होगा u cos थीटा इनटू कैपिटल t, कैपिटल t के जगह पे आप क्या लिखोगे 2u sin थीटा अपॉन g, तो वो सब्स्टिट्यूट किया आपने u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा अपॉन g, रियरेंज द इक्वेशन u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हो sin 2 थीटा, सो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये बन गया r का इक्वेशन. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिल सकता है, जब भी साइन टू थीटा की वैल्यू वन होगी। इसका मतलब साइन टू थीटा इक्वल टू वन, दैट इज अ टू थीटा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सो आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अभी टू पॉसिबल केसेस, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, 75 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री है, सिर्फ 45 ऐसा एंगल होगा जहां पे आर की एक ही पॉसिबल वैल्यू है ना। सो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी यू इफ मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल आर वन यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, 90 माइनस थीटा है तो आर टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। सिंस इसको अगर आप ओपन करोगे, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन भी यूज करना है, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आएगा। आर वन और आर टू की वैल्यू सेम होगी आपकी। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम फॉर एंगल ऑफ अ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा। सो अभी तक हम लोग ने जितना भी डिस्कस किया, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझा है।